रीवा में अचानक हुई तेज बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। विंध्य इलाके में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं दूसरी ओर आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रीवा के कई क्षेत्रों में लगातार घंटों बारिश हुई और बड़ी मात्रा में ओले गिरे, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बिरसिंहपुर तहसील के हिनौता गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से बरगद के पेड़ के नीचे बंधी 5 भैंसें और 5 गायों की मौत हो गई है। बारिश के बावजूद रेलवे बोर्ड के खिलाफ बैठे किसानों ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया है और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वे अनशन पर बैठे रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।